हेरिस, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे AI टूल बताऊंगा जो कि मिड जर्नी की तरह ही वर्क करता है और मिड जर्नी से बेहतर भी है, क्योंकि मिड जर्नी 25 इमेज के बाद उसका ट्रायल खत्म होता है, उसके बाद हमें प्रीमियम बोलता है। पर इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर आप अनलिमिटेड इमेज क्रिएट कर सकते हो भी फ्री में। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। हमारा जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आता है उसका नाम है deepai.org, आपका लिंक इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आइएगा तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा, आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन एंड साइन अप कर लेना। आपको मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं लॉगिन एंड साइन अप पहले से हर अकाउंट पर कर लिया। आपको लॉगिन एंड साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट कोड, हर जगह जरूरत पड़ता है इसमें। प्रॉम्प्ट कोड ही आपका मेन होता है किसी भी इमेज को जनरेट करने के लिए, तो प्रॉम्प्ट कोड आपको जनरेट करना था, आप ChatGPT का हेल्प ले सकते हैं। इससे पहले मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कार्टून कैरेक्टर, और कार्टून कैरेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे मैंने रोबोट वाला ऑप्शन चूज किया, तो यहाँ पे रोबोट के रिलेटेड यहाँ पे इसने कैरेक्टर डिजाइन करके दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे इमेजेस, डेट्स मीन ये इमेजेस एक एज अ रेफरेंस इमेज, आपको इस टाइप का आर्ट चाहिए तो आपको इस टाइप का आर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोड डाल के दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी यहाँ पे कार्टून गर्ल ही लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट वाला, जैसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जनरेट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है, और देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया रिफ्रेश इमेज की तरफ है, तो यहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे आर्ट इसने जनरेट करके दिया यहाँ पे। आप और यहाँ से इनहांस भी कर सकते हैं क्वालिटी का, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे पहले से डिज़ाइन क्रिएट किए गए, तो आप इनका भी हेल्प ले सकते हैं एज अ रेफरेंस की तरह। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट टूल, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टूल की तरफ। सेकेंड टूल है हमारा जो है Sika.ar, भी बहुत ही बेहतरीन AI टूल है, और एज अ कम्पेयर ऑफ मिड जर्नी देखा जाए तो ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा आर्ट क्रिएट करता है आपको। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट कोड भी मिल जाते हैं पहले से, जिसे आप रेफरेंस की तरह यूज़ करके आप अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कोड है, आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है जनरेट पे, और जनरेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, और आपको यहाँ पे एक और एडिशनल फीचर मिल जाता है निगेटिव प्रॉम्प्ट कोड। दैट्स मीन आपको जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, वुड को रिमूव करना है, यहाँ पे जैसे वुड लिखा है यहाँ पे, या कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपके इमेज में, तो आपको वो रिमूव करना है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे वाटर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ वाटर के लिए यहाँ पे करता हूँ, तो मैं क्या करूँ वाटर करूँगा, फिर जनरेट, और यहाँ पे आप डायमेंशन चूज कर सकते हैं अपने कोडिंग, एडवांस सेटिंग में जाकर आप अपने कोडिंग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, फिर जनरेट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेकेंड लगेगा और आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे 4 इमेजेस आए जिसमें से ये इमेजेस परफेक्ट जनरेट हुआ है। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होम ऑप्शन पे जाकर, और सेम वही था मिड जर्नी जैसे हम इमेजेस डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा था जैसे जनरेट हो गया था, यहाँ पे इमेज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन देता है, या राइट क्लिक करेंगे सेफ एज इमेज पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पहले से भी आर्ट है, इन आर्ट का हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्ट अपना जनरेट कर सकते हैं। सर देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आर्ट जनरेट किया गया, जैसे ये आर्ट हो गया आपको, ये भी परफेक्ट है। तो इस टाइप का आर्ट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इमेज इस प्रॉम्प्ट कोड को यूज़ करके, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री है, मतलब आपको यहाँ पे टेंशन नहीं है कोई भी प्रीमियम चार्जेस का, आपको जितना इमेज जनरेट करना है यहाँ पे आप अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको व्यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट इनका सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं मिड जर्नी का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टूल की तरफ जिसका नाम है प्लेग्राउंड AI और वर्सेस मिड जर्नी, आपने बहुत सुना होगा, ये भी बहुत ही परफेक्ट और आर्ट क्रिएट करता है, डेट मीन आर्ट क्रिएट करता है, इमेजेस क्रिएट करता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, और यहाँ पे पर डे 1000 इमेजेस आपको फ्री मिलते हैं, डेट मीन आप एक दिन में यहाँ पे 1000 इमेज जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक अकाउंट से, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आर्ट क्रिएट किया गया यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आर्ट लग रहा है, जैसे मेरे को ये आर्ट बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, मैं इसे सेव भी कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोड भी यहाँ पे दिया है, पेरेंट इमेज प्रॉम कोड, फिर रिमूव फ्रॉम इमेज, मतलब इस इमेज से क्या क्या रिमूव किया, जैसे आपको बताया था मैंने निगेटिव प्रॉम कोड, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा गया और फिर ये आर्ट को जनरेट किया गया। मेरे को ये आर्ट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मैं इसे क्या करता हूँ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें इमेज आपको जनरेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 काम करता है यहाँ पे, और आप इसे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डॉली 2 भी दिया है,
और उसके बाद यहाँ पे हम प्रोम्प्ट कोड को लिख सकते हैं, जैसे मिड जर्नी में लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी लिखना है आपको प्रोम्प्ट कोड। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे प्रोम्प्ट कोड लिख दिया, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही किया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पर रिफरेंस इमेज की तरह भी कोई इमेज को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको अपने इमेज का ही कुछ आर्ट क्रिएट करना है, तो आप अपना इमेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे हम मिड जर्नी में करते हैं रिफरेंस इमेज की तरह। आप चाहते हैं यहाँ से कुछ भी अपने इमेज से रिमूव करना चाहते हैं, जैसे निगेटिव प्रॉम्प्ट कोड जैसे मैं बताता हूँ आपको, वैसे यहाँ पे भी होता है, मैं आपको क्लिक करके देता हूँ। आपको जो भी चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फिलहाल अभी रहने देता हूँ यहाँ पे। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे डायमेंशन चूज़ कर सकते हैं, गाइडेंसेस का सेट कर सकते हैं, क्वालिटी एंड डिटेल भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी इसका यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और आपको कितने इमेजेस चाहिए वो भी आप पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट सेशन में रखना, मतलब आपको प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट में रख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग है वगैरह आपको देख लेना है। फिर जनरेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस टाइप का आर्ट जनरेट होकर आया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आर्ट है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और इट्स अ डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप कैसे प्रॉम्प्ट कोड को यूज़ करते हैं। जैसे आप प्रॉम्प्ट कोड को यूज़ कीजिएगा उस टाइप का इमेज यहाँ पे जनरेट होकर आएगा। और जैसे इमेज जनरेट हो जाए, आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पर क्लिक करके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका नाम है डॉली 2, जो कि ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है। ओपन एआई चैट जीपीटी जिसने बनाया, जैसे मैंने आपको करना पता था, चैट जीपीटी है जो ओपन एआई का ही प्रोडक्ट है, उसी तरह इसका इमेज जनरेटर वाला भी है डॉली 2। आप इसे भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। जैसे लॉगिन कर लीजिएगा आपको कुछ ऐसा शो करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कुछ आपको भी यहाँ पे आर्ट मिल जाएंगे उनके कोड के साथ, प्रॉम्प्ट कोड के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उनका कोड भी लिखा है। यहाँ पे ये फायदा हो जा रहा है हमें कि हमें क्या हो रहा है, हमें कोड भी सजेस्ट मिल रहा है इमेज के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा कि हमारे काम को आसान करता है। और यहाँ पे यूज़ करो जितना हमको टेंशन नहीं रहा है। एज अ कम्पेयर ऑफ मिड जर्नी देखा जाए तो मिड जर्नी मतलब परफेक्ट इमेज जनरेट करता है, मैं तो इतना पता है। ये भी करते हैं, प्लेग्राउंड भी करता है परफेक्ट, और मिड जर्नी भी करता है परफेक्ट, मैं मानता हूँ। पर वो जो उसमें फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन है ना, थोड़ा से आदमी मन चिड़ी जाता है, मतलब क्या यार बार बार मेल बनाओ। ये मैंने उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि आप कैसे उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, फिर भी कितना दिन आप करिएगा एक ही चीज़। तो इसीलिए आपको क्या करना, कुछ और वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग। और देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड अपने लिख सकते हैं, मैं सरप्राइज मी के साथ यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। और आप भी यहाँ पे अपने कोडिंग आपको इमेज अपलोड करके अगर आपको करना है तो रेफरेंस की तरह यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपका आर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सरप्राइज मैंने ऑटोमेटिक इसने मुझे प्रॉम्प्ट कोड दिया, तो सिंथवेब स्पॉट कार यहाँ पे लिखा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने आर्ट को जनरेट करके दिया। और मैं आपको बता दूँ, आपको इस टाइप का अगर आर्ट जनरेट करना है तो डॉली 2 सबसे बेस्ट टूल है आपके लिए। अभी से आप इसे सेव कर लो, क्योंकि ये इस टाइप का इमेज बहुत ही परफेक्ट जनरेट करता है। जैसे आपको टेक्सचर टाइप का कुछ इमेज चाहिए तो आपको इस टाइप का इमेज बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा जनरेट कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मतलब मैंने जनरेट किया था, इसी टाइप का इमेज यहाँ पे जनरेट करके ला रहा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव टूल के, जो सबका बाप है। अभी मैंने जितने भी टूल अभी यूज़ किया, इन सबका बाप एक ही टूल है, वो है फ्यूचर टूल। फ्यूचर टूल इसलिए इन सबका बाप है क्योंकि आपको यहाँ पे सारे टूल मिल जाएंगे एक जगह पे, एक वेबसाइट। दैट मीन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे क्या मान लो आपको AI डिटेक्शन चाहिए तो आपको AI डिटेक्शन का यहाँ पे 11 वेबसाइट आपको मिल जाएगा यहाँ पे AI डिटेक्शन का। आपको और आपको एग्रीगेटर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको 16 यहाँ पे मिल जाएगा। अवतार चाहिए आपको, अवतार के लिए वेबसाइट, अवतार आपको क्रिएट करना है तो 19 यहाँ पे आपको AI वेबसाइट मिल जाएंगे। और देख सकते ये सारे AI वेबसाइट है, ये जितने सारे हैं ये क्या करते हैं, आर्ट को ही जनरेट करते हैं, AI अवतार को जनरेट करते हैं। आप फ्री है तो कुछ प्रीमियम, आप फ्री वाला आपको चाहिए तो यहाँ पे फ्री पे क्लिक कीजिए, तो फ्री पे क्लिक कीजिए, फ्री यहाँ पे जितने वेबसाइट है वो फ्री है। और प्रीमियम भी आप चेक कर सकते हैं, प्रीमियम में ये होता है कि आपका क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ट्रायल भी मिल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 वेबसाइट आ गए जिनमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, AI अवतार जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ज़्यादातर मिड जर्नी यूज़ करते हैं तो AI अवतार जनरेट करने के लिए करते हैं, तो मिड जर्नी के अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट हैं। चैट GPT की जगह अगर आप चाहते हैं तो और कोई वेबसाइट यूज़ करना, तो आप यहाँ से चैट पे जाके ये सारे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। मुझे इन सब का बाप इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप आपको मिल जाते हैं, जैसे स्पीड टू टेक, सोशल मीडिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे जितने वेबसाइट है। हमें क्या करना है, याद रखना बहुत ही मुश्किल होती है, हमें क्या करता है हमारे काम को आसान कर देता है। सो डेट्स आई इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाए कि जल्द से जल्द मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि मेरा वॉचिंग टाइम भी पूरा होने वाला है। तो प्लीज़
मेरा 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए। और इसी तरह आपको AI रिलेटेड टूल मिले और आपको फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग भी इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। बस अभी मैं फिलहाल थोड़ा बिजी हूँ तो वीडियो टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।